जन्माष्टमी पर्व पर आगरा रेल मंडल के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार की ओर से एकीकृत पेंशन योजना लाई गई है, जिसे आगरा रेल मंडल में लागू किया जा रहा है। एकीकृत पेंशन योजना UPS को लेकर आगरा रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रताप अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की और इस योजना की जानकारी दी। आगरा रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रताप अग्रवाल ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना न्यू पेंशन योजना से भिन्न है, इसमें सरकार का योगदान बड़ा है। उन्होंने 18% अंशदान बढ़ाया है, साथ ही फैमिली सुरक्षा भी दी गई है। यह पेंशन योजना बाजार पर आधारित है। आगरा रेल मंडल की लगभग 86,400 कर्मचारियों को इस पेंशन योजना का लाभ होगा। एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि NPS में बाजार में निवेशक राशि के हिसाब से पेंशन मिलती है। 10 वर्ष की सेवा पर कर्मचारी न्यूनतम पेंशन की हकदार हो जाएंगे। यह 10,000 न्यूनतम है। 10,000 के साथ महंगाई राहत मिलेगी। आज जो कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उन्हें कम से कम 15,000 की राशि पेंशन जरूर मिलेगी। सेवा की हर 6 माह के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुफ्त मिलेगी, जो ग्रेच्युटी के अलावा होगी। 30 वर्ष की सेवा पर कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त पर मिलेगा। ये सुनिश्चित पेंशन कम से कम 25 वर्षों की सेवा करने वालों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीना में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। UPS और इसका किस तरह से फायदा पहुंचने वाला है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसको लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों का काफी विरोध था। इसको लेकर के तो केंद्र सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए परसों निर्णय लिया, एक नई स्कीम लॉन्च की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें लगभग सभी वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में हुआ करती थी। किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसको उसकी पिछले 12 महीने की तनख्वाह का एवरेज निकाल करके उसका 50% पेंशन दिया जाएगा। और किसी कारणवश अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी उसकी पेंशन का 60% लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस स्कीम में जो पहले कि इस स्कीम को लागू करने के लिए पहले केंद्र सरकार जो न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर रही थी उसमें केंद्र सरकार का करीब 14% का कंट्रीब्यूशन होता था, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अपना जो सहयोग है वो बढ़ाकर के 18.5% करना पड़ेगा। तो आगरा मंडल के करीब 8,640 कर्मचारियों को जो आज की डेट में हमारे रोल पर हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस स्कीम को इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट किया जाएगा। इसमें जो भी पेंशन मिलेगी अगर महंगाई बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होती है हमारी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए उससे इसको लिंक किया गया है, तो उसमें जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से पेंशन भी बढ़ती रहेगी।